नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनल फिशर के बारे में। दोस्तों ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है क्योंकि एनल फिशर, पाइल्स, फिशुला आजकल इतना ज़्यादा इसके पेशेंट्स आने लग गए हैं क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जो फूड्स इनटेक है लोगों का, जो खाना खाने का तरीका है, रहन सहन है, बहुत देर तक लोगों को बैठे रह कर काम करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आजकल ये प्रॉब्लम्स कॉज कर रही हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, और इन सब के वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ लोगों में आने लग गई हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी परेशानी के बारे में कि आखिर क्यों होता है ये, इसके पीछे हमें कौन कौन से कारण मिलेंगे, कौन लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे होते हैं इसके, और कैसे सिम्टम्स होते हैं, आप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपको एनल फिशर की प्रॉब्लम है, और कौन सी आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करके इस परेशानी को आपके शरीर से निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, साथ ही जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एनल फिशर के बारे में। एनल फिशर के अलावा भी जो दोस्तों एनल में पाई जाने वाली कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एनल फिशर हो गया, फिशुला हो गया, पाइल्स हो गया, तो पहले इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको आखिर परेशानी क्या है। जो पाइल्स होता है, मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा पाइल्स का वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। साथ ही अब मैं आपको फिशुला के बारे में बता देती हूँ। फिशुला दोस्तों एक आपके बॉडी में एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें आपकी जो एनल एरिया अंदर एक टनल बना लेती है, जिसमें स्किन और एनस के बीच में एक टनल बन जाता है। ये भी बहुत ही इन्फेक्शियस, बहुत प्रॉब्लम वाली परेशानी है, और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी दोस्तों। तो मैं कुछ दिनों में ही इसका एक सेपरेट वीडियो डालूंगी। आज हमें सिर्फ फिशर के बारे में बात करना है, तो अब हम फिशर पर फोकस करते हैं। आखिर क्या होता है फिशर? दोस्तों फिशर मींस होता है कहीं टीयरिंग हो जाना, एक स्मॉल कट लगना। अब आगे उसके फिशर के आगे वर्ड लगा, क्योंकि फिशर आपको कहीं पे भी हो सकता है, इस हाथ पे भी फिशर हो सकता है, लिप्स पे भी फिशर हो सकता है। इस फिशर के आगे लगा है एनल वर्ड। एनल वर्ड का मतलब होता है आपके एनल एरिया में, मींस आपका जो मल द्वार है, गुदा द्वार है, वहाँ की स्किन में अगर आपको स्मॉल कट लग जाए या आपको स्किन वहाँ की टीयरिंग हो जाए, मतलब वो फट जाए, तो इस परेशानी को, इस सिचुएशन को हम एनल फिशर बोलेंगे दोस्तों। अब इस एनल फिशर की वजह से क्या होता है दोस्तों, जब आप समझ सकते हैं आपकी स्किन में सिंपल, अगर आपके हाथ पे भी यहाँ थोड़ा सा कट लग जाता है तो आपको कितना सीवियर पेन होता है, और आपकी एनल एरियाज की मसल बहुत सेंसिटिव होती है क्योंकि वहाँ पे आपकी बहुत सारी ब्लड सप्लाई भी है, नर्व्स भी है, मसल्स भी हैं। तो जब आपको जब टीयरिंग होती है, मतलब आपकी स्किन जब फटती है, तो उस वजह से आपको बहुत सीवियर पेन होता है, एकदम अनबियरेबल पेन होता है। जब इंसान स्पेशली जब मोशन पास करता है, जब मल पास करता है, जब मल त्याग करता है इंसान, उस दौरान उसको बहुत सीवियर पेन होता है, और ये पेन मोशन पास करने के बाद तक कुछ समय तक बना रहता है। और इसके अलावा आपको ब्राइट रेड कलर का, एकदम गाढ़ा लाल रंग का खून आपको दिखाई देता है, जब या तो आप मोशन पास कर रहे हैं या मोशन पास करने के बाद भी आपको ये रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का ब्लड देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन को हम बोलेंगे एनल फिशर। अगर इसी के साथ में आपको मस्से जैसा उभार भी है तो आप उसको पाइल्स बोलेंगे, पाइल्स प्लस आपको एनल फिशर, दोनों सिचुएशंस हैं। तो अपनी चीज़ों को पहले डिफ्रेंशिएट करिए, आपको परेशानी क्या क्या है। दोस्तों अगर जो ये कट है बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, बहुत गहरा है, तो ये आपकी अंदर की जो मसल्स हैं, जो अंदर के टिश्यूज़ हैं, वहाँ तक भी पहुँच जाता है। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग जैसी बीमारी नहीं है, बहुत सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सीवियर पेन होता है जो आपके नॉर्मल रूटीन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो दोस्तों ये हो गई एनल फिशर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों में हो सकता है। दोस्तों ये किसी एज ग्रुप को हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, एडल्ट्स हों, किन्हीं को भी हो सकता है जिनमें कॉन्स्टिपेशन होने की टेंडेंसी होती है, उनमें एनल फिशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
दोस्तों ये हो गई इसमें, और स्पेशली जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है, मतलब जिस समय आप फीमेल प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पे भी अगर जो वो ज़्यादा एक्जर्शन दे रही हैं और मोशन पास करने में ज़्यादा एक्जर्शन दे रही, उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एनल फिशर होने के। दोस्तों चलिए बात करते हैं इनके कौन कौन से सिम्टम्स आपको मिलेंगे और आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको एनल फिशर है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर या आप जाके डॉक्टर से ही चेक करा सकते हैं तो आपको वो क्लियरली बता सकेंगे कि हाँ वहाँ पे कट है। अदरवाइज़ अगर आप किसी अटेंडेंट से भी एसेस करा के देख रहे हैं घर में तो आपको एक कट दिखेगा आपके एनल एरिया में, वो एकदम चाहे वो छोटा सा भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी स्किन के अंदर के साइड भी दोस्तों कट होता है जो डॉक्टर ही आफ्टर जो वो रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, जिसको आप एंडोस्कोपी करके अंदर के कट देख पाते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बाहर की तरफ तो कुछ नहीं दिखता, अंदर स्किन में कट लगा होता है। तो दोस्तों आपको कट की एक कट दिखेगा आपको एनल एरिया में। दूसरी चीज़, आपको बहुत सीवियर पेन मिलेगा जब भी आप मोशन पास कर रहे होंगे उस टाइम पर, उसके बाद भी तो भी। तीसरी चीज़ आपको मैंने जो आगे ही बताया, ब्लड मिलेगा आपको, और जब भी ब्लड आपको मोशन के साथ भी आ सकता है और मोशन ख़त्म होने के बाद भी आ सकता है। साथ ही आपको इचिंग मिलेगी और कंटिन्यू वहाँ से आपको लगेगा कि आपके एनस के पास से कुछ ऊज हो रहा है, कुछ निकल सा रहा है, हल्का डिस्चार्ज सा हो रहा है, ऐसी सेंसेशन आपको बने रहेंगे। तो ये कुछ इसके बेसिक सिम्टम हो गए दोस्तों एनल फिशर के, कि ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आखिर किन कारणों के वजह से ये होता है। तो कॉजेज में सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, एक तो बहुत जो मेजर रोल प्ले करता है वो है कॉन्स्टिपेशन, कि जब भी आप बहुत हार्ड और लार्ज क्वांटिटी में अगर स्टूल पास कर रहे हैं तो फिशर होने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन की, इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों से हो सकता है दोस्तों? इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ जो होती हैं, स्पेशली जो क्रॉन डिजीज़ होती है, वो भी आपको प्रोन बना देती है, उसके ये भी एक कारण है आपका एनल फिशर होने का दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट डायरिया की भी टेंडेंसी रही है, आपको बहुत लगातार डायरिया हो रहा है, उन लोगों में भी देखा गया है कि उनमें भी एनल फिशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर आपकी जो ब्लड सप्लाई है, आपका खून की जो हैं, अगर आपके एनोरेक्टल एरिया पे अगर आपको ब्लड सप्लाई कम है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों आपको एनल फिशर होने के। साथ ही अगर जो आपकी मसल्स की जो है, आपका जो स्फिंक्टर है, जो ओपनिंग है आपकी, अगर वहाँ की मसल्स बहुत टाइट हैं तो वो भी, अब क्योंकि जब टाइट हैं और मोशन जब पास होने के लिए प्रेशर लगेगा तो, और वो ओपन नहीं हो रही है, तो ओपन ना होने की वजह से उनमें टीयरिंग होने लगेगी। तो ये भी एक कॉज होता है कि टाइट, ओवर टाइट स्फिंक्टर के वजह से भी एनल फिशर होने के चांसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये कुछ कॉजेज हो गए दोस्तों जिनके कारण, जिनके वजह से आप कह सकते हैं कि आपको एनल फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर में दोस्तों बच्चे, चाहे वो इन्फेंट्स, स्पेशली इन्फेंट्स हो या यंग चाइल्ड्स हो, इन यंग चिल्ड्रन हो, उनमें भी देखा जाता है कि टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने की आजकल बहुत ज़्यादा टेंडेंसी देखी जाने लगी है, तो उनमें भी एनल फिशर की प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, ओल्ड एज के लोगों में दोस्तों, ओल्ड एज के लोग भी बहुत प्रोन होते हैं एनल फिशर के लिए, क्योंकि उनमें एज बढ़ने के साथ साथ उनमें जो ब्लड सप्लाई है एनोरेक्टल एरिया के में, वो कम होने लग जाती है रिलेटिवली यंग्स के, तो इसलिए उनमें भी चांसेस बढ़ जाती है एनल फिशर की दोस्तों। थर्ड हो गया प्रेग्नेंट फीमेल्स में, क्योंकि ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज जब वो प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पे जो उनके जो कंप्रेशन की वजह से मोशन, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती, और जब वो ओवर एग्जर्शन देती हैं तो उस ओवर एग्जर्शन की वजह से उनमें एनल फिशर के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर जिनमें मैंने बताया IBD जिनमें ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ जिनमें ज़्यादा होती, उनमें ये वो पेशेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं एनल फिशर के लिए दोस्तों। तो ये कुछ कुछ दोस्तों रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनसे आपको, अगर आपको ये चीज़ें हैं तो आप सतर्क रहें कि आपको आगे जाके एनल फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ दोस्तों कि कब आप उसको बोलेंगे कि ये एक्यूट एनल फिशर की प्रॉब्लम है, कब ये क्रॉनिक है। दोस्तों अगर ये परेशानी आपको 8 हफ्ते के अंदर की, मीन्स आपको 4 से 6 वीक के अंदर की है और ये ठीक हो गई है, तो ये अक्यूट कंडीशन में है। अगर लेकिन ये परसिस्ट करी, अगर आप 8 हफ्ते से ज़्यादा में आपको एनल फिशर की परेशानी बनी ही हुई है,
तो इसको आप क्रॉनिक एनल फिशर की प्रॉब्लम बोलेंगे, क्योंकि यूजुअली आपका अगर मोशन ठीक है, आप ओवर एग्जर्शन नहीं दे रहे हैं, तो आपकी परेशानी 6 हफ्ते के अंदर ठीक होने लग जाती है। लेकिन अगर ये स्टिल बनी हुई है और वो 8 हफ्ता क्रॉस कर गई है, दैट मीन्स आपको क्रॉनिक एनल फिशर की प्रॉब्लम है। दोस्तों बात करते हैं अब ट्रीटमेंट प्लान के लिए। ट्रीटमेंट प्लान बताने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूर सुझाव देना चाहूँगी। दोस्तों आप बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका मोशन हार्ड ना होने पाए आपको, और आप ओवर एग्जर्शन नहीं दें जब आप मोशन पास कर रहे हैं। तो आपको अगर सपोज़ एनल फिशर की परेशानी हो भी गई है, तो वो धीरे 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 ठीक हो जाएगी विदाउट मेडिकेशन अगर आप चाहते हैं तो। तो कोशिश करें कि प्रेशर बिल्कुल मत दें मोशन पास करते समय, और आप पूरी कोशिश करें कि आपका मोशन हार्ड ना होने पाए। ये दो चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये चीज़, क्योंकि जब भी अगर आपको ऑलरेडी एनल फिशर है और आप कंटिन्यू एग्जर्शन दे रहे हैं, तो वो जो कट है वो धीरे धीरे और गहरा होता चला जाएगा। जब अगर वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो उसमें फिर डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करने लगते हैं। तो उस परिस्थिति को आने ही ना दें अपने शरीर में, आप उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करें। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताऊंगी और एक पेटेंट मेडिसिन बताऊंगी। मैं इसीलिए ऐसी मेडिसिन बता रही हूँ जो इजीली सबको अवेलेबल हो जाए, और साथ ही उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि आपको कौन सी खानी है। 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। फर्स्ट एक पायोनिया मदर टिंचर, दूसरा हाइड्रेटिस मदर टिंचर, थर्ड है कॉन्डिरागो मदर टिंचर। ये तीनों ही दोस्तों स्पेसिफिकली आपके एनल फिशर पे बहुत अच्छी काम करती हैं। पायोनिया स्पेशली एनल फिशर पे और पाइल्स पे भी वो बहुत अच्छे काम करती है। साथ ही हाइड्रेटिस हम तब यूज़ करते हैं दोस्तों कहीं पे भी आपको घाव है कहीं, क्योंकि मैंने अल्सर के भी केसेस में बताया है, घाव भरने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ कॉन्डिरागो बहुत ही शानदार मेडिसिन है दोस्तों एनल फिशर के लिए। तो इन तीनों ही मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आपको एक बॉटल में मिक्स करके रखना है। दोस्तों क्लियरली सुन लें, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने कि मैं कैसे बता रही हूँ। इन तीनों मेडिसिन को एक बॉटल, आप खाली बॉटल लें, उनमें आप इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें, समान मात्रा में मिला लें, और उसको ही ऊपर एक ड्रॉपर लगा लें। आपको अगर ड्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो आप जहाँ जिस होम्योपैथिक शॉप से आप वो बॉटल ले रहे हैं उनसे बोलिए वो आपको ड्रॉपर वाली बॉटल दें, जिससे आपको दवा लेने में ईज रहे। तो आप उन तीनों दवाओं को मिला लें, ड्रॉपर लगा के मिक्स करके बंद कर लें, अच्छे से शेक करके अपने पास रखें, और इन दवाओं को 20-20 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के पीना है। अगर आपको एक्यूट है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है आपको, तो आप इसकी 4 से 5 बार भी ले सकते हैं। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है, उसके बाद नेक्स्ट डे से आप इसको 3 बार लेना शुरू कर दें। तो इस मेडिसिन को लें। साथ ही दोस्तों FB टैब, मैंने पाइल्स के में भी ये टैबलेट बताई है, फिशर पाइल्स, इन सब पे बहुत अच्छी काम करती है। इससे बहुत सारी होम्योपैथिक की मेडिसिन पड़ी हैं और बहुत अच्छी काम करती हैं। फिशर में रेटेनिया है, हेमामेलिस है, एस्कुलस है, बहुत शानदार मेडिसिन है इसमें। तो ये आपके फिशर की प्रॉब्लम पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो इस FB टैब्स को आपको 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 बार खानी है दोस्तों, और इस मदर टिंचर को लेना है। ये दोनों ही दवाएं आप यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में मिल जाएंगे कम्प्लीटली। और एक लिक्विड मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ कैलेंडुला मदर टिंचर। आपको उसकी एक ढक्कन गुनगुने पानी में डाल के उसमें बैठना है दोस्तों, क्योंकि जब आप ऐसे कोई ऑइंटमेंट या जो दवा आप खा रहे हैं वो कट तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। ये एक एंटीसेप्टिक लोशन है, तो आपकी जब आप उसमें बैठेंगे तो ये सुपरफिशियली आपको बाहर से घाव को ठीक करने में मदद करेगी। तो इस दवा को डाल के आप उसमें कम से कम 10-15 मिनट गुनगुने पानी में बैठिए। ये आपकी सूजन को भी, अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करेगा, और घाव को भरने में जल्दी रिलीफ देगा। ये हो गई दवाओं के बारे में बात। दोस्तों कुछ मैं आपको घरेलू नुस्खे ही बताती हूँ जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब भी आप मोशन पास करने जा रहे हैं, जब भी आप टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, उससे पहले या तो आप ग्लिसरीन या वैसलीन जेली या कोकोनट ऑयल, जो भी घर पे आपको अवेलेबल हो, आप अपने एनल एरिया पे अप्लाई कर दें, या तो रात में ही लगा दें सुबह जब आप मोशन के लिए जा रहे हैं, तो एक मॉइस्चर मेंटेन रहेगा आपके एनल एरिया पे। तो जब भी आप थोड़ा सा भी एग्जर्शन देंगे, तो आपकी जो स्फिंक्टर है उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा और मोशन स्मूथली पास हो जाएगा।
ये बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, मैंने अपने घर में ही ट्रीट किया है इस चीज़ के लिए और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आप बस कोई भी ऑयली जो चीज़ होती, चाहे वो तेल हो, कोकोनट ऑयल को नारियल का तेल बोलते हैं, नारियल का तेल हो या फिर आप वैसलीन जो आती है वो लगा सकते हैं, कोई भी ऑयल आप वहाँ अपने एनल एरिया पे लगा दें और रात भर छोड़ दें, सुबह जब आप मोशन के लिए जाएंगे तो आपको फर्स्ट डे से ही रिलेटिवली कम पेन होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, वाटर इनटेक अपना ज़रूर बना के रखें। पानी अगर आप कम पियेंगे तो आपका मोशन हार्ड होगा और मोशन हार्ड होने पर आपको ये परेशानी बनी ही रहेगी। तीसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत तेल मसाले वाली कोई चीज़ नहीं खानी, कम से कम जब तक आपको ये प्रॉब्लम है उस समय आप मसाले वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, बहुत फास्ट फूड, इन सब को छोड़ दें, बहुत हल्का भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट को लें, चाहे वो खिचड़ी हो, दलिया हो, बहुत लेस स्पाइसी फूड लें और पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा रखें। मोशन जब आपका नॉर्मल रहेगा तो ये परेशानी आपकी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और दवाओं को साथ में लें, आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप इसको देखेंगे कि आपका 1 से 1.5 महीने में आपकी ये परेशानी ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे सुझाव आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, साथ ही जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करें ताकि आगे की वीडियोस जो भी अपलोड हो रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इन बातों की इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।